बताने वाली हूँ मेरा स्टडी रूटीन विद माय कलेक्शन ऑफ पेन्स. आर यू गाइस एक्साइटेड? आई एम वेरी मच. क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पेन्स को देखे, ऑब्जर्व करें और फिर मेरे को बताएं कि आप कौन सा यूज करते हैं इन सब मेरे वाले पेन्स में से. तो अभी मेरा पर्सनल फेवरेट तो ये वाला पेन है, क्योंकि इससे इतनी सुंदर हैंडराइटिंग आती है ना. अगर मैं पढ़ रही थी ना, देखो कितनी सुंदर हैंडराइटिंग आई है. सी जस्ट लुक एट दिस. आपकी क्या ऐसी हैंडराइटिंग? जो साइंस का चैप्टर नंबर 6 बॉडी मूवमेंट, उसके बैक एक्सरसाइज कर रही हूँ जो बची थी, क्योंकि मैंने आधी कर रखी है और आधी नहीं कर रखी. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कर रही थी मैं, तो अब नहीं करी इसलिए. तो अभी मैं कर रही हूँ ये, फिर आपको मिलते हैं बाद में मेरे कलेक्शन ऑफ पेन्स के साथ. तो फ्रेंड्स, आप ना प्लीज बताना कि आपको ये चैप्टर कितना अच्छा लगता है. और क्लास मेरी 6th है, लेवल मेरा 6th के हिसाब से है, चैप्टर नंबर मेरा 6 है और मैं भी 6th क्लास में हूँ. देखो क्या को इंसिडेंस हुआ. ओके, तो ये वाला चैप्टर मेरे एग्जाम में आ रहा है, तो मैंने अच्छे से रीड कर लिया. चैप्टर नेम बॉडी मूवमेंट्स. दिखाओ. ये मेरा चैप्टर है. इसमें पता फ्रेंड्स हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है? स्नेल के बारे में पढ़ा है, अर्थवर्म के बारे में पढ़ा है. अगर आप ये चैप्टर देखना चाहते हो तो प्लीज की रिव्यू करूँ मैं चैप्टर का, रिव्यू करूँ मैं, आपको एक्सप्लेन करूँ इस चैप्टर को, तो प्लीज मेरे को बताओ. ये देखो क्या क्या चीजें हैं हमें पढ़ने वाली, क्योंकि सृष्टि की साइंस फेवरेट है और मैं साइंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ. देखो अच्छा मजा आता है साइंस को एक्सप्लेन करने में. ये देखो फ्रेंड्स, हम स्केलेटन पढ़ रहे हैं बॉडी मूवमेंट्स में, लोकोमोशन, ये सब स्केलेटन सिस्टम. तो अभी मैं ये चैप्टर थोड़ा रिवाइज करती हूँ, रिव्यू करती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ मेरे कलेक्शन ऑफ पेन्स के साथ. फ्रेंड्स, ये है सारे मेरे पेन्स की कलेक्शन. दीदी थोड़े से पेन्स मुझे भी दे दो. ये वाला ले रही थी. अरे तू खुद से ले रही है, मेरे से कहाँ पूछ रही है तू? रखते रखते रखते. हाँ दीदी, बस इतने से ही तो ले रही हूँ मैं. फ्रेंड्स, ये कमेंट करके बताइएगा आपकी सिस्टर या ब्रदर आपके पेन्स पेंसिल्स को लेने की कोशिश करते हैं, मांगते हैं कि हमें चाहिए. ये तो मांगती है, ये तो मांगती है. और मैं और दीदी देती तो ही है मुझे. ओ दीदी, ये वाले हाइलाइटर्स में दे दूँ? ये बहुत प्यारे हैं दीदी. ये तो काम है हम दोनों के प्रोजेक्ट के लिए और बुक्स के लिए. तो फ्रेंड्स, ये है सारे मेरी पेन्स की कलेक्शन. एक्चुअली मैंने नर्सरी से चाहती थी कि मैं बस पेंसिल लिखूं और मैं नर्सरी से ही पेंसिल लिखती हूँ. नियॉन तो ये तो फ्रेंड्स मैंने इसी साल जो लिए है, मैंने वो इसी साल लिया. बस ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था लास्ट ईयर, मेरे को ये बर्थडे गिफ्ट मिला था. yes. नियॉन पेन किसने दिया था? मम्मा ने. इतना सुंदर. और दीदी ने बोला कि काम है, तू छोटी है तू भी रख सकती है. अपने आप से बोल. तो फ्रेंड्स, ये है मेरे जेल पेन, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है जेल पेन की कंपनी में. आप सारी देख रहे हैं, इसका मैंने पूरा डब्बा मंगवा लिया ऑनलाइन से. तो फ्रेंड्स, ये है ऑक्टेन का ब्लैक पेन. इसकी हैंडराइटिंग ऑलमोस्ट डेली बेसिस की है. मैं आपको दिखाती हूँ ऑक्टेन के ब्लू पेन. ये थोड़ा सा लग रहा है, ये मैंने कुछ लिखा है, ये मैंने जल्दी नहीं सुखेगा है ना फ्रेंड्स. तो अब बताओ ऑक्टेन का ब्लू पेन. ब्लू, ये देखो. वाओ दीदी, आपने तो रेफरेंस से काव्या लिख दिया. हाँ, 0 मार्क्स देने हैं मेरे को पेपर में. नहीं है खुशबू वाले पेन, तो इसलिए मैं मिलाई हूँ इतने सारे वाले. अरे अरे, यहाँ पर ही रह गए. तो इतने सारे 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 खुशबू वाले पेन. इसमें ना पूरे 5 कलर्स हैं. ऑरेंज काव्या के पास, ऑरेंज. तो ये तो मेरे पर्सनल फेवरेट पेन्स है. इसमें मेरी भी ट्यूशन वाली टीचर, ट्यूशन में आप कुछ बच्चे होते हैं जो बॉल पेन यूज करते हैं, लेकिन उनको क्रिएटिव पेन्स बड़े पसंद होते हैं, तो आप वो ये वाला ले सकते हैं. ये पतले भी और स्पीड के लिए भी बहुत अच्छे है, मस्त लगते हैं. मेरा फेवरेट है ये वाले पेन. ये है ग्रिप वाले पेन. इसको मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के. ये देखो फ्रेंड, इस पे ना ग्रिप बनी हुई है. ये देखो, जिससे ना आपका हाथ फिसलेगा नहीं इस पे. एग्जाम्स के लिए अच्छे. हाँ, एग्जाम की ग्रिप्स के लिए बहुत अच्छा. तो मैं ये अपने एग्जाम्स में लेकर जाती हूँ. मेरे पास ऑलरेडी ये भी एक है. आप जितने भी पेन लेंगे सारे मेरे पास एक एक. देन मार्कर मार्कर आ जाते हैं. हाइलाइटर में मेरे पास ये वाला कलर ऑलरेडी है.
ये तो हमने ये वाला कलर तो मार्केट से नॉर्मली लिया था, पैकेट भी था इसका, तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अभी जो आपने हैंड राइटिंग देखी थी मेरे स्टडी रूटीन में, तो वो मैंने इससे लिखी थी, तो आप बता सकते हो ये मेरा बहुत पुराना पेन है। और फिर हाँ, ये टिक 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 वाले पेन कलरफुल है, बट चलते ये सारे ब्लू कलर मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर है फ्रेंड के, चलते बड़े मस्त है फ्रेंड्स। ये ऐसे मैंने खोले ये फ्रेंड्स, देखो मैं क्या लिख रही हूँ, सृष्टि लाइफ स्टाइल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स अगर आपको जल्दी से करो दीदी, आप फ्रेंड्स आप जल्दी से मेरी दीदी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू काव्या। और इन पेंस में मेरा फेवरेट कलर तो येलो है, देखो कितना प्रीटी लग रहा है। लुक एट दिस, मेरा ये वाला पिंक कलर कितना प्रीटी है ना फ्रेंड्स। कौन सा आपको अच्छा लगा इन सब में से? आई लाइक येलो, आई लाइक पिंक। और फ्रेंड्स इसका पता बंद ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये तो खुलता ही रहेगा, ये होगा यहाँ से वन। आई लाइक इट है ना फ्रेंड्स, मजेदार। और कौन सा रहेगा मेरा न्यू और आधे तो पता है खत्म भी हो चुके होंगे, इनमें सिर्फ 12 या 11 शेड्स तक ही होंगे। इसमें टोटल इसमें 48 शेड्स है फ्रेंड्स, 48 शेड्स इतने अच्छे पैकेट में, जिसमें ग्लिटर भी है, नॉर्मल भी है, नियॉन भी है, स्पार्कली भी है। इसमें ना एक बार मेरे को बहुत खराब लगी इसकी, इनसे येलो कलर नहीं है, गोल्डन कलर है। बट गोल्डन कलर बहुत टाइप्स के हैं फ्रेंड्स, दिखाऊं मैं आपको? ये देखो ऐसे खोला, ब्लू देखो कितने सारे टाइप्स के हैं, है ना, ये पिंक पर्पल पिंक पर्पल, इतने यहाँ तक है इतने सारे शेड्स। फिर ये गोल्डन, ये गोल्डन गोल्डन चलते हैं मम्मा, ये अच्छा, ये गोल्डन, ये गोल्डन, ये गोल्डन, ये गोल्डन, ये गोल्डन, ये गोल्डन, इतने सारे शेड्स, बस रेड और ब्लैक को छोड़ के सबके। आप बताइएगा आपको कौन से पेन सबसे ज्यादा अच्छे लगे और आप कौन सा यूज करते हैं, तब तक के लिए और आपका कौन सा पोस्टर फेवरेट हो गया? मेरे तो सारे। ओके बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।